आज 10 मार्च 2019 को 17वीं लोकसभा के चुनाव किस राज्य में कैसे होंगे, किस किस दिनांक को होंगे आदि जो जानकारी है हमारे देश के वरिष्ठ चुनाव अधिकारी ने पत्रकारों के बीच दी। ये जो समय है 5 बजे से 6 बजे के बीच में जब उन्होंने चुनाव की घोषणा की, तो मैं एक ज्योतिष शास्त्र का विद्यार्थी होने के नाते मेरे पास कुछ लोगों के फोन आने लग गए कि साहब इस वक्त तो राहु काल था और राहु काल तो अशुभ होता है, ये शुभाशुभ की मानसिकता अगर है इन लोगों के बीच तो मुझे बड़ा मतलब मैंने लगता है कि 21वीं सदी में हम पहुंचे ही नहीं है। अरे ये प्रशासनिक व्यवस्था है, वो क्या मुहूर्त देके काम करेंगे? अगर ऐसा है तो इन लोगों को बोलना चाहिए कि जिस दिन अशुभ हो किसी कार्य जो कर्मचारी उसका कोई अशुभ दिन हो उस दिन उसको कार्यालय से छुट्टी मिले, अमावस के दिन सारे कार्यालय बंद होना चाहिए। किसी इनके हिसाब से जो ये दकियानुसी जो ज्योतिषी है इनके हिसाब से अगर ये मुहूर्त सही सब होना है तो इन लोगों को कहना चाहिए कि उस दिन जो है कार्यालय बंद कर दें। किसी दिन पैसा निकालना बैंक में तो बोले आज अशुभ मत निकालो, किसी दिन जमा करना तो बोले आज मत करो, सारा कुछ ये मुहूर्त पे चलने दो देश को। अरे हम 21 सदी में जी रहे हैं। पहली बात तो मेरा पहले भी इसमें वीडियो था कि 21 सदी के हिसाब से वो देश का स्थिति के अनुसार मुहूर्त ज्योतिष का औचित्य ही नहीं रहा है कोई। और जो ये प्रशासनिक और सरकारी कामकाज होते हैं इसमें मुहूर्त की चर्चा करना मतलब बड़ी नादानी यार, क्या बोलूं मैं, मतलब मेरे पास शब्द ही नहीं बोलने के लिए। अभी जो ये चुनाव की जो घोषणा हुई है ये 6-7 चरण में होने वाले हैं। अब प्रशासन के अनुसार प्रशासनिक जो व्यवस्था है उनके अनुसार उनको प्रशासन को सारी व्यवस्थाएं देखनी है उनको, कि मुहूर्त देखते बैठेंगे इन सब पूछेंगे पंडित से कि यहां कब करना वहां कब करना। अरे ज्योतिष शास्त्र को क्यों बदनाम कर रहे हो आप लोग? ये ज्योतिष शास्त्र के लिए कलंक की बात है। मतलब मैं तो स्पष्ट शब्द में कहूंगा कि इस तरह के मुहूर्त की और ऐसी बात करना क्या लगा रखा है? ये राहु काल है तो ये है तो फलाना है तो मतलब क्या आदमी जो सांस भी लेगा तो इनसे पूछ के लेगा आपके मुहूर्त में सांस लेऊं कि नहीं लेऊं? इस तरह के भ्रामक प्रचार करके लोगों के बीच में भ्रम फैलाना ये अच्छी बात नहीं है ज्योतिष शास्त्र के वैज्ञानिक, और इसीलिए ज्योतिष शास्त्र के वैज्ञानिक आधार पर लेके जो अंधविश्वास निर्मूलन वाले जो बार बार जो सवाल उठाते हैं वो इसीलिए उठाते हैं, और वो अगर उठाते हैं तो गलत नहीं करते हैं कि हम लोग ही उनको जो है इस तरह से बातें करके ये बताते कि हमारा ज्योतिष विज्ञान नहीं है, ये हमारा एक जो कर्मकांड है, या हम जो है बहुत ही अभी 16वीं सदी में ही जो जी रहे हैं, 21वीं सदी आई नहीं हमारे ज्योतिष के अनुसार। क्या है ये काय का मुहूर्त और कैसा मुहूर्त? इस तरह से ज्योतिष शास्त्र को बदनाम करने की ये जो साजिश चल रही है पंडितों द्वारा ये बंद होना चाहिए। ये मुझे तो मतलब जब ऐसे फोन आते हैं तो मुझे बड़ा विचित्र सा अनुभव होता है कि कैसे 21 सदी में हम मुहूर्त देख रहे हैं। तो फिर ये जो मुहूर्त से अगर सब होना है तो भगवान भरोसे देश को छोड़ दो। हाँ सब जो है हर चीज भी मुहूर्त देख ही करना चाहिए अपने को, ये संभव है क्या? मुहूर्त अपनी जगह है, और जब ये पंचांग की जो निर्मित हुई उसमें 1 अंक बना, 2 अंक बना, 3 अंक ऐसे करे 5 अंक बने, 5 अंक बने जो पंचांग के, और इसमें जो है शुभाशुभ हमारी मानसिकता है, समय स्थान और आपका दिन और वार ये शुभाशुभ नहीं है, शुभाशुभ हमारी मानसिकता है। वो चुनाव आयोग के द्वारा अगर चुनाव की घोषणा किसी समय की जाती है उनके प्रशासनिक व्यवस्था के अनुसार, जब उनके पास पूरा डाटा आने के बाद में जितनी मेहनत करी 3 महीने से उन लोगों ने, पूरी इतना विशाल देश है उस पर उसमें चुनाव करवाना, 543 सीटों पर चुनाव करवाना उनके लिए कितना कठिन काम है उसको सोचना चाहिए। वो क्या मुहूर्त देखेंगे आप लोगों से? क्या बात है! इस तरह के भ्रम में नहीं आना चाहिए आम जनता को भी, और मेरा ज्योतिष मित्रों से मेरे बिल्कुल करबद्ध प्रार्थना है, निवेदन है कि ऐसे भ्रम की स्थिति निर्मित मत करो। ये मेरा
बिल्कुल सविनय प्रार्थना मेरी है, कृपया इस तरह के भ्रम फैलाने का काम मत करो ज्योतिष मित्र, धन्यवाद। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।